दिस इज़ ब्यूटिफुल. मुझे ये दोबारा मौका मिला है. गौतम पटोले जैसे आर्टिस्ट का काम मैं पहले से बहुत अप्रिशिएट करती आई हूँ. उनके लिए इनॉग्रेट भी किया है मैंने पहले एग्जीबिशन, लेकिन इस बार वो और भी 3 गुना ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे रूपाली मदन और सुब्रता सेन और गौतम पटोले जैसे कमाल के आर्टिस्ट का काम, और डिफरेंट मीडियम्स पे, चारकोल पर, ऑयल के साथ स्कल्पचर्स, हर एक में एक इतनी पर्सनलाइज्ड खूबी है. और आर्ट कुछ इस तरह से हम मानते हैं दैट व्हेन यू सेल्फ टॉट, वो चीज़ जो आपने खुद सीखी हो तो वो भगवान की एक देन होती है, गिफ्ट होती है. सो द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट टुडे इज ऑल 3 आर्टिस्ट, they're self-taught artists and they've done an incredible job with charcoal and with colors and of course the sculptures. There's a lot of romance and a lot of celebration of women and some men, so it's nice being here. And congratulations to Mr. Sefi for putting this together as a sponsor. मेरे घर पे जो सबसे पहली पेंटिंग लगी थी, नॉट ओनली बिकॉज आई लव आर्ट, बट बिकॉज हुसैन साहब ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत गणपति दिया है बना के, विच वॉज अ गणपति हुज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, क्योंकि उनके हॉर्स सीरीज जो वो बहुत शुरू से बनाते थे. दैट वॉज द फर्स्ट वन दैट आई गॉट एज अ गिफ्ट. आई हैड अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स बट दे वर ऑल एब्स्ट्रैक्ट्स. और मैं क्योंकि दुनिया भर घूम आई थी मिस यूनिवर्स के दौरान, तो मैं कोलंबिया जाती थी तो कोलंबिया से मैंने पेंटिंग्स उठाए थे. आधे आर्टिस्ट के नाम तक प्रोनाउंस करने नहीं आते थे मुझे, कुछ कार्लोस समथिंग समथिंग, बट अमेजिंग वर्क. एंड मैं हमेशा इस बात को मानती आई हूँ कि लोग कहते हैं कि वक्त के साथ आप किसी का नाम भूल जाते हो, कहाँ मिले थे वो भूल जाते हो, वो काम क्या करते थे वो भी भूल जाते हो, बट यू ऑलवेज रिमेंबर कि उनसे मिलके फीलिंग क्या हुई थी. सो अ पेंटिंग इज अबाउट अ फीलिंग. नो, आई थिंक अगर भगवान पे भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, आप जिसे भी ऊपर वाला मानते हैं, भगवान पे भरोसा सबसे बड़ी चीज है. कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप नहीं बदल सकते उस भरोसे की ताकत. यू आर गोइंग टू बी सीइंग मी बैक इन फिल्म्स दिस ईयर फॉर श्योर, एंड आई हैव टू से टू ऑल माय फैंस, आई लव यू पीपल. 2.5 इयर्स ऑफ अ ब्रेक, सून वी आर बैक.